नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट थ्री, एजुकेशन का यूनिट थ्री। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जो भी हैं जल्दी से आ जाइए। और अभी तक में जो आए हुए हैं वो है बर्नवाल राजेश, रंजना सिन्हा, जावेद इकबाल, जेवियर मुंडा, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस डज नॉट स्टॉप इंक्रीजिंग विद एज ऑफ ए पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस डज नॉट स्टॉप इंक्रीजिंग विद एज ऑफ ए पर्सन। निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति के आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? पहला एकेडमिक इंटेलिजेंस, शैक्षिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस स्थानगत बुद्धि, वर्बल इंटेलिजेंस वाचिक बुद्धि, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भावात्मक बुद्धि। से विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस डज नॉट स्टॉप इंक्रीजिंग विद एज ऑफ ए पर्सन, मतलब है कि जैसे जैसे एज का पर्सन ग्रो करता है तो बहुत सारा इंटेलिजेंस होता है कि रुक जाता है ग्रोथ के साथ साथ, लेकिन इसमें से एक कौन सा है जो कि ग्रोथ एज के साथ में नहीं रुकता है? फास्ट फास्ट, एक भी जवाब नहीं आया है अभी तक। बनवाल राजेश, गुड मॉर्निंग, जवाब दे दीजिए। जितेंद्र गुप्ता का कहना है ए। ओके, और बनवाल राजेश का भी कहना है ए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऐसे और को भी आंसर देना चाहिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। हाँ, रंजना सिन्हा का भी कहना है फर्स्ट। देखते हैं हम लोग क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस फर्स्ट दे रहे हैं, एकेडमिक इंटेलिजेंस तो वो सही है, लेकिन एक लेवल में जाके ये खत्म हो जाता है। एकेडमिक इंटेलिजेंस का सही होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी खत्म नहीं होता। क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली एक्सप्रेस वन्स ओन फीलिंग एज वेल एज इंगेज एंड नेविगेट सक्सेसफुली विद दोज ऑफ अदर्स। इट डज नॉट स्टॉप इंक्रीजिंग विद एज ऑफ ए पर्सन, मतलब जो होता है अपना फीलिंग्स को दूसरे को, मतलब अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकना, साथ ही साथ दूसरे के फीलिंग्स को रीड कर पाना, अंडरस्टैंड कर पाना, को ही हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये पर्सन के एज के साथ नहीं रुकता। हिमांति मजुमदार, गुड मॉर्निंग। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिस्ट इम्प्रूवमेंट सोशल द इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन perceive emotions, use them in thought, understand their meanings and manage them better than others. जो emotionally intelligent persons होता है वो क्या होता है, दूसरे के emotions को आसानी से समझ सकता है, उनके सोच को use कर सकता है, उसका मतलब को समझ सकता है और उसको अच्छे तरीके से manage भी कर सकता है। दूसरा है solve emotional problems with less thought, has highly developed verbal skills. वो दूसरे इमोशनल प्रॉब्लम को कम एफर्ट के साथ में, कम सोचने, मतलब जल्दी से डिसीजन ले सकता है और दूसरे को आसानी से अच्छे तरीके से दूसरे को समझ सकता है। टेंड्स टू बी मोर ओपन एंड एग्रीएबल देन अदर्स, मतलब ये ज़्यादा ओपन होता है दूसरे की अपेक्षा और साथ ही साथ एग्रीएबल देन अदर्स होता है, मतलब आसानी से एग्री कर सकता है, करता है दूसरे के बातों का। सीकिंग ऑक्यूपेशंस इन्वॉल्विंग सोशल इंटरेक्शन सच एज टीचिंग एंड काउंसलिंग। सिक्स, ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग सोशल इंटरेक्शन एंड एज ए टीचिंग एंड काउंसलिंग, मतलब ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो ऐसा जॉब खोजता है, ऐसा प्रोफेशन खोजता है जो कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो, नंबर वन, या टीचिंग एंड काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हो, मतलब सोशल इंटरेक्शन हम लोग एक साथ में कह सकते हैं। आगे है अवॉइड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्रग एब्यूज एंड वायलेंस। जो ऐसा पर्सन होता है वो क्या होता है, स्मोकिंग, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जिसमें होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसमें होता है, वैसे चीजों से बचता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, दारू पीना वगैरह हो गया, ड्रग्स लेना वगैरह हो गया, तो इमोशनल कैंडिडेट्स ये सब कुछ नहीं करता। एंड ऑन्स ऑब्जेक्ट्स विथ सेंटिमेंटल वैल्यूज, और जो सामान वगैरह को सेंटिमेंटल वैल्यूज के साथ में वो रखता है, बड़ा प्यार से सामान वगैरह को रखा करता है, इमोशनली एक तरह से कह सकते हैं।
हेमंती मजुमदार गुड मॉर्निंग, दीक्षा यादव गुड मॉर्निंग, नूरजाम मल्लिक गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए आप लोग आंसर। चलिए आ रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने में। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का था, फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में इसलिए देना पड़ गया बिकॉज ज्यादातर आप लोगों में से सबका गलती हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, इन इमोशनल इंटेलिजेंस विच विल नॉट बी कंसिडर्ड ए कंपोनेंट, भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा। फर्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, सेल्फ एनालिसिस आत्मविश्लेषण, सेल्फ मोटिवेशन आत्म अभिप्रेरण एंड इम्पैथी तदनुभूति। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड? दीक्षा यादव का कहना है डी। ओके, इन इमोशनल इंटेलिजेंस विच विल नॉट बी कंसिडर्ड ए कंपोनेंट, भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन एंड इम्पैथी। बनवाल का भी 4, दीक्षा यादव का भी 4 और जावेद इकबाल का भी 4। डन सर, आप स्लिम हो गए। अच्छा जीतन मंडल जी और बढ़ गया है वेट। अब आप दूर से देख रहे हैं ना, 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर हैं आप हमसे, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो और ज्यादा मोटे हो गए, डाइटिंग पे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है आपको इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये हेयर के कारण, हेयर का प्रॉब्लम, मतलब पहले बड़ा बड़ा हेयर था तो चेहरा छोटा बड़ा लगता था, अब छोटा हो गया हेयर तो ऐसा लग रहा है। ओके चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है सेकंड, इसमें भी सबका गलती हुआ है। इसमें भी सब कुछ वही है। अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, देर आर 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सर इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। इन इमोशनल इंटेलिजेंस विच विल नॉट बी कंसिडर्ड ए कंपोनेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। और इसका सही आंसर है सेकेंड, बोले तो सेल्फ एनालिसिस इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ रेगुलेशन, नंबर 3 सेल्फ मोटिवेशन, नंबर 3 इम्पैथी एंड नंबर 5 में है सोशल स्किल्स। तो ये सारा चीज जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा तो वहां पर सेल्फ एनालिसिस वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग 4 नंबर आंसर दिए हैं, कौन सा, सॉरी इम्पैथी। इम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, क्योंकि आप देख लीजिए इसके जस्ट पहले, कुछ देर पहले यहां पर देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन को जब डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 को, वहां पर इम्पैथी की चर्चा है। आप सही से इसको पढ़िए, कुछ देर पहले ही हम लोग डिस्कशन किए हैं, ठीक है जी। क्यों ऐसा गलती हो रहा है? अख्तर हुसैन गुड मॉर्निंग। चलिए तो ये आप याद रखिएगा, इसका कंपोनेंट जो है ये है, मतलब सर सोशल स्किल कैसे इमोशनल क्वालिटी होगा। फ्रेंड्स किनका क्वेश्चन है, जीतन मंडल। जीतन मंडल जी, सोशल स्किल इमोशनल का पार्ट ऐसे है कि अगर आप में इमोशनल नहीं है तो आप किसी और के साथ में जुड़ के नहीं रहिएगा, सेल्फिश होइएगा, 100% सेल्फिश। तो अगर आप इमोशनल हैं तभी आप इमोशनली किसी के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मान लीजिए ये पेन, मेरा पेन, ऐसे ये गुड्स है, लेकिन ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है आपको जो हम अभी बताए। चलिए ये मेरा स्मार्ट पेन, मैं इससे इमोशनली काफी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं इसे रखता हूँ, ठीक है, मैं इसे प्रोटेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर ये मेरे हाथ में ना हो तो आपको पढ़ा नहीं सकूंगा मैं, ये मेरी इमोशंस है, मैं इसे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। आप आपका मोबाइल फोन, आपके मोबाइल फोन भले वो निर्जीव हो, मान लेते हैं भले ही वो निर्जीव हो, लेकिन आप उसको कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फेंकते हैं क्या? क्योंकि आप उससे जुड़े हुए इमोशनली, अगर वो ना रहे तो आप नहीं रहेंगे, ऐसा आप ऊपर डिपेंडेंस है। वैसे ही हमारे समाज में आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, अगर ये इमोशंस खत्म हो जाए तो आप सोशल प्राणी नहीं कहलाएंगे, सोशल
जीव नहीं कहलाएंगे। इस तरीके से सोशल स्किल जिसमें जितना ज्यादा है, इवन कहें कि जिसमें जितना ज्यादा इमोशन होता है वही उतना ज्यादा सोसाइटी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो इमोशनल पर्सन होगा उसका क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस, नंबर वन। नंबर टू सेल्फ रेगुलेशन, याद रख लीजिएगा इसे, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। उसका तीसरा नंबर में है मोटिवेशन, चौथा नंबर में है इम्पैथी, और पांचवा नंबर में है सोशल स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट में, यहां पर हम लास्ट में लिखे हैं लेकिन सोशल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग विच टाइप करस्पॉन्ड्स टू ऑपरेंट कंडीशनिंग पैराडिग्म। गैने के हायरार्की के लर्निंग का जो है, गैने का हायरार्की, उसमें कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग पैराडिग्म को करस्पॉन्ड करता है। गैने का अधिगम अधिक्रम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से संबंधित है। नंबर वन साइन लर्निंग, संकेत अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदीकरण अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम एंड एसआर लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितेंद्र गुप्ता इसका कह रहे हैं डी, रंजना सिन्हा, ए हिमांती मजुमदार, फोर जितन मंडल भी फोर, रुमा मुखर्जी फोर, दीक्षा यादव भी फोर, ओके जावेद इकबाल फर्स्ट, जेवियर मुंडा फोर, ओके सी। इसका सही आंसर है फोर, और ऑलमोस्ट सभी का सही हुआ है कुछ को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल जावेद इकबाल का गलती हो गया है और रंजना सिन्हा का गलती हो गया है, बाकी सबका सही है। ओके, तो क्या है यहाँ पर ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग। रीइन्फोर्समेंट इज द की एलिमेंट इन स्किनर्स एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अ रीइन्फोर्सर इज एनी थिंग दैट स्टैंडिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, मतलब रीइन्फोर्सर उसे हम लोग कहते हैं जो डिजायर रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, रीइन्फोर्स करता है। बाय द वे फ्रेंड्स, इसमें सभी का सही हुआ है, मतलब सभी को इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, काफी छोटा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में दिक्कत होगा तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा, आपको सारा चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है जी, और ये उतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी एज इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स वाज फर्स्ट मेड बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। एडलर, फ्रॉइड, जंग एंड मास्लो। क्या होगा, एडलर, फ्रॉइड, जंग एंड मास्लो। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है थर्ड। तो आप लोगों में से मैक्सिमम का सही हुआ है, मतलब इसका थर्ड है जंग। जंग के अनुसार इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मतलब जंग सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट एक्सप्लेनेशन दिए थे। ठीक है जी, पर्सनैलिटी रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक ए पर्सन यूनिक। मतलब किसी भी कैंडिडेट का फीलिंग्स जो होता है, सोचने का तरीका, सोच, फीलिंग्स, बिहेवियर, ये सारा किसी पर्सन को यूनिक बनाता है और वही उसकी पर्सनैलिटी को भी शो करता है। देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी वी इनकाउंटर इन आवर डे टू डे लाइफ, स्ट्रॉन्ग, करिज्मेटिक, ओपन माइंडेड, शाय एक्सेट्रा। ये अलग अलग प्रकार का पर्सनैलिटी है, आप लोग सुनते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है, या जैसे महात्मा गांधी, ये करिज्मेटिक पर्सनैलिटी का। महात्मा गांधी करिज्मेटिक, करिज्मा उसके पर्सनैलिटी में था, सॉरी उसके नहीं उनके, क्योंकि बहुत महान लोग हैं तो करिज्मा था उनके बातों में। उस समय लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बावजूद भी अगर महात्मा गांधी जी बोल देते थे असहयोग आंदोलन या नमक सत्याग्रह, तो लाखों लोग उस सत्याग्रह को फॉलो करने के लिए पूरे इंडिया में, उस समय का इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी मिला हुआ था, सभी लोग उनके बातों पे मरने के लिए तैयार हो जाते थे। मारने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाते थे। मारना तो बहुत आसान चीज है लेकिन मरना बहुत ही बड़ी चीज है, एक तरह से कहें सुसाइड है ना, और ये हिम्मत की चीज की बात होती है। ये करिज्मेटिक पर्सनैलिटी का हो गया। उसका तो ओपन माइंडेड, बहुत सारा लोग ओपन माइंडेड होता है, बहुत लोग शर्मीला हुआ करता है, शाय हुआ करता है,
यहाँ केस में जो इन्होंने जो दिया है बोले तो जंग ने जो बोला है ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो कि ओपन एक तरह से ओपन माइंडेड का जो होता है, जो मतलब वाइड एरिया होता है उसका सोच का, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और इंट्रोवर्ट उसे कहेंगे जो कि अपने अपने वगैरह वगैरह आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, अपने आप में रहता है, ज्यादा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने इनर फीलिंग्स को। दैट पर्सन इज नॉन एज इंट्रोवर्ट। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे किसी का गलती नहीं हुआ, रंजना सिन्हा का गलती हुआ था ये क्वेश्चन, और अख्तर हुसैन का भी ये गलती हुआ था। ओके चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? पहला है रोसार्च इंकब्लॉट टेस्ट, मतलब रोसार्च इंकब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, रोटर्स सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट एंड मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ऐसे फ्रेंड्स यहां पर मुझे हटना पड़ेगा क्योंकि मेरे से स्क्रीन पे क्वेश्चन डक रहा है। राइट चलिए मैं थोड़ा देर के लिए स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, आप लोग बताइए जल्दी से। अर्चना का डी, रुमा मुखर्जी 4, नूरजहां लखवी 4, दीक्षा यादव 4, जावेद इकबाल भी 4, जीतन मंडल सेकंड, बनवा राजेश 4। ओके चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। जितेंद्र गुप्ता भी 4। देखते हैं फ्रेंड्स इसका सही आंसर एक्चुअली में 4 ही है। 4 ही है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी में से कौन सा नहीं है? इसके होगा मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। बाकी सबका सब प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। रोसर्च इंक्लॉट टेस्ट, थीमेटिक प्रिपरेशन टेस्ट एंड रोसर्च सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, ये सबका सब यही है। और फ्रेंड्स देखें क्या, चलिए प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज स्टेटेड अर्लियर प्रोजेक्टिव टेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर द इंडिविजुअल्स एज ए होल। क्या करता है प्रोजेक्टिव टेस्ट? इंडिविजुअल एज ए होल को स्टडी करता है, मतलब ये भी वही हो गया। द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट इज दैट द इंडिविजुअल इज प्रेजेंटेड विथ एन अनस्ट्रक्चर्ड टास्क। टेस्ट स्टिमुली आर सो वेज और एम्बिगुअस दैट सब्जेक्ट कैन रिस्पॉन्ड इन वेराइटी ऑफ वेज, मतलब अलग अलग प्रकार से उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। इट इज एज्यूम दैट द सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिज स्टिमुली इज बेस्ड ऑन हिज पार्टिकुलर नीड्स डिजायर्स व्यू पॉइंट एंड फियर्स, ये सब के द्वारा डिसाइड होता है उसका स्टिमुली। एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पर्सनैलिटी इन टू द टेस्ट सिचुएशन एज मूवी कैमरा प्रोजेक्ट इमेजेज ऑन द स्क्रीन, मतलब वो अपना स्टिमुली को इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है इस प्रकार से प्रेजेंट करता है टेस्ट सिचुएशंस में, जैसे कि कैमरा वगैरह मूवी कैमरा रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। ठीक है जी। कॉमन प्रोजेक्टिव टेस्ट, मतलब जो कॉमन प्रोजेक्टिव टेस्ट है क्या है? मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्टिव टेस्ट आर थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट टाइट, द रोसार्च इंक्लोज टेस्ट, द पेंडस विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट सेकेंड एडिशन, द हाउस ट्री पर्सन एचटीपी, द काइनेटिक हाउस ट्री पर्सन टेस्ट के एचटीपी, द सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट एंड द रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। तो ये प्रकार का कुछ है जो कि आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ये आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। और अगर सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा ई ज्ञान एंड्रॉइड ऐप का, अगर आप नया है हमारे चैनल पे तो पहले क्या कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली जब क्लासेस हो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, सारा चीज आपको मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ई ज्ञान एंड्रॉइड ऐप का, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर NTNA 2021 ग्रुप में ये सारा PDF दिया जाता है। ठीक है जो भी क्लासेस होता है हमारा वहां पर दे दिया जाता है, आपको वहां पर मिल जाएगा। जो न्यू है और लगता है कि आप अगला एग्जाम के लिए अगला सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप उतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है, तो आप अगला सेशन में एडमिशन ले सकते हैं और उसका फी इतना ही लगेगा 2999 ही एडवांस कोर्स में, पेपर वन पेपर टू दोनों का। और इसमें तो बहुत कुछ है आपको पता ही है, आप देख लीजिएगा हमारा ई ज्ञान ऐप पे सारा डिटेल दिया हुआ है। मई से इसका फी इंक्रीज होने वाला है, मई से फी 4999 हो जाएगा, अभी है 2999, तो अभी आप इसको इनरोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा अभी ही, तो आप इस एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर पास कर जाते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह ले लेते हैं, टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, तो पास करने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है,
और अगर पास कर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर पास नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ में अगले एग्जाम तक रहेंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन है, ए बॉय हु इज रियली इंटरेस्टेड इन परसुइंग बीए फिलोसफी बट इज अफ्राइड द सब्जेक्ट डज नॉट हैव ब्राइट करियर प्रोस्पेक्ट इज हैविंग, मतलब एक लड़का जो बीए दर्शन शास्त्र करना चाहता है लेकिन इस विषय से भयभीत है क्योंकि इसमें वृत्तिक संभावनाएं अच्छी नहीं है, उसमें क्या है? अब बताना है, नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई द्वंद नहीं है, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम उपागम द्वंद है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, उपागम परिहार द्वंद है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, परिहार परिहार द्वंद है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अ बॉय हु इज रियली इंटरेस्टेड इन परसुइंग बीए, मतलब एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि बीए करने में पूरा का पूरा इंटरेस्टेड है लेकिन अब वो इस बात का डर में है कि इसका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, और इसीलिए वहां पर क्या है, ऑप्शन स्टार दिया हुआ है, मैक्सिमम का मैक्सिमम का थर्ड आ रहा है। ओके, बोले तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, चलिए देखते हैं, इसका थर्ड ही है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट ही है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, और ये सभी का सही हुआ है, किसी का भी गलत नहीं है, इसलिए इसको उतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे निकलते हैं। ठीक है, चलिए, द फोकस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस हैज टू बी ऑन, द फोकस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस हैज टू बी ऑन, मतलब व्यावसायिक निर्देशन में जोर देना चाहिए, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग जॉब टू द क्लाइंट, सेवार्थी को नौकरी दिलाने पर, सेकंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू सीक अप्रोप्रिएट जॉब, सेवार्थी को उचित नौकरी ढूंढने में मदद देने पर, थर्ड इनेबलिंग द सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन टू बिकम जॉब ओरिएंटेड, मतलब शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट जॉब, सेवार्थी को उचित वित्तीय चयन में सहायता करने पर। द फोकस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस हैज टू बी ऑन, मतलब व्यावसायिक निर्देशन में जोर देना चाहिए, मतलब व्यावसायिक निर्देशन जो है वो किसी पे जोर देगा, बताइए। ऐसे आंसर आ चुका है, अर्चना का कहना है फोर, नूरजामल का थर्ड, दीक्षा का भी थर्ड, रूमा फोर, तुरेजा खातून फोर, जावेद इकबाल थर्ड, जितर मंडल थर्ड, ओके, और भी कुछ बचे हैं, जेबीआर मुंदा थर्ड, जितेंद्र गुप्ता थर्ड, रंजना सिन्हा थर्ड। चलिए यहाँ पे दो ऑप्शन, कुछ स्टूडेंट फोर दिए हैं, कुछ स्टूडेंट थर्ड दिए हैं, हम देखते हैं क्या है इसका सही आंसर है फोर, वोकेशनल। अब वोकेशनल इज ए करियर काउंसलिंग एंड द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वोकेयर, वोकेयर से बना हुआ है, विच मीन्स टू कॉल, वोकेयर मतलब टू कॉल, वोकेशनल गाइडेंस मीन्स हेल्पिंग समवन फाइंड हिज और हर कॉलिंग और एट लीस्ट ए सुटेबल करियर चॉइस, मतलब वोकेशनल गाइडेंस जो कि एक सुटेबल करियर को सेलेक्ट करता है। वोकेशंस और करियर कैन बी लूजली कैटेगराइज इन टू एरिया सच एज सर्विस, टेक्निकल, मैकेनिकल, क्रिएटिव, हेल्थ एंड बिजनेस, राइट, मतलब ये सब में से कुछ हो सकता है, इनेबलिंग सिस्टम टू एजुकेशन टू बिकम जॉब ओरिएंटेड, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जीतन मंडल, अगर ऑप्शन, अगर इसका चार नंबर नहीं होता, चार अगर नहीं होता जॉब सेलेक्ट करने में, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो इस दोनों में, तीन और चार में ज्यादा का अंतर नहीं है, दोनों इसका सही होगा, लेकिन चार जो आ गया है अप्रोप्रिएट जॉब सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस दे रहे हैं ना लास्टली कि आपको कौन सा जॉब सेलेक्ट करना है, गाइडेंस दे रहे हैं तो इसीलिए चार होगा, लेकिन अगर चार नहीं होगा तो 100% इसका आंसर थर्ड ही होगा। ठीक है, एन इफेक्टिव काउंसलिंग इज वन विच प्रोवाइड्स हेल्प टू द क्लाइंट इन अंडरस्टैंडिंग हिज और हर, प्रभावी उद्बोधन वह है जिसमें सेवार्थी को स्व अवबोधन में मदद मिले, जिससे हुआ, फर्स्ट है, मतलब हिंदी में हमको ठीक से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इंग्लिश में, एन इफेक्टिव काउंसलिंग इज वन विच प्रोवाइड्स हेल्प टू द क्लाइंट इन अंडरस्टैंडिंग हिज और हर, मतलब इफेक्टिव काउंसलिंग उसे कहते हैं जो अपने क्लाइंट को हेल्प करता है उसको समझने में, क्या चीज, पोटेंशियल एबिलिटी एंड टेम्परामेंट, अपनी संभावित योग्यता एवं स्वभाव को समझ सके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज हिज हर चॉइसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ जॉब, फ्रेंड्स एंड फोए विथ हुम रिलेशनशिप शुड बी डेवलप, तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स, बताइए आप। हाँ
डन। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है सेकंड। आप लोगों में से मैक्सिमम का सही हुआ है, मैक्सिमम का सही हुआ। इन इफेक्टिव काउंसलिंग इज वन विच प्रोवाइड्स हेल्प टू द क्लाइंट इन अंडरस्टैंडिंग हिज और हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज हिज हर चॉइस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल अ क्लास टीचर डेली टॉक्स टू हिज और हर स्टूडेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ टू मेक बेटर यूज ऑफ रीडिंग रूम एंड लेबोरेटरी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट हिज हर इंगेजमेंट इन दिस वे विल बी कॉल्ड। मतलब किसी विद्यालय में कोई कक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों से वाचनालय तथा प्रयोगशाला के बेहतर उपयोग तथा विषयों में अपने निष्पादन बढ़ाने के बारे में नीति चर्चा करता है, उसका इस रूप में संलिप्त होना कहा जाएगा पर्सनल गाइडेंस, मतलब व्यक्तिगत निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस शैक्षिक निर्देशन, डायरेक्टिव काउंसलिंग निर्देशात्मक उद्बोधन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सूचना सेवा। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स? ऐसे मैक्सिमम का आंसर आ चुका है, मैक्सिमम का कहना है सेकंड बोले तो एजुकेशनल गाइडेंस। ओके, हाँ जितेंद्र गुप्ता का कहना है डायरेक्टिव काउंसलिंग। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड, एजुकेशनल गाइडेंस। वो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस कर रहा है इसलिए एजुकेशनल गाइडेंस है। ठीक है जी, चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडेंस सर्विस इन इंडिया इज ऑन द वीकनेस फुटिंग इन सो फार एज वोकेशनल कोर्सेस आर कंसर्न। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में उपलब्ध कौन सी निर्देशन सेवाएं सबसे कमजोर पायदान पर है? वीकेस्ट फुटिंग, सबसे कमजोर पायदान पर। इंडिविजुअल गाइडेंस सर्विस, व्यक्तिगत निर्देशन सेवा, काउंसलिंग सर्विस, उद्बोधन सेवा, प्लेसमेंट सर्विस, स्थानन सेवा एंड फॉलो अप सर्विस, अनुवर्ती सेवा। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडेंस सर्विस इन इंडिया इज ऑन द वीकेस्ट फुटिंग इन सो फार एज वोकेशनल कोर्सेस आर कंसर्न। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में उपलब्ध कौन सी निर्देशन सेवाएं सबसे कमजोर पायदान पर है? इंडिविजुअल गाइडेंस सर्विस, काउंसलिंग सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस एंड फॉलो अप सर्विस। ओके, सॉरी, नाइनटीन नंबर रंजना सिन्हा, 19 नहीं है, 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर, फोर सबसे कमजोर पायदान पे है फोर। तो इसमें अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर दिए हैं, कुछ थर्ड आंसर दिए हैं, मतलब कुछ दिए हैं प्लेसमेंट सर्विस और कुछ दिए हैं फॉलो अप सर्विस, और कुछ स्टूडेंट्स कुछ अलग भी आंसर दिए हैं, कुछ स्टूडेंट उद्बोधन सेवा भी दिए हैं, काउंसलिंग सर्विस भी दिए हैं। चलिए देखते हैं, तब तो इसका देखना पड़ेगा। फॉलो अप सर्विस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए गाइडेंस प्रोग्राम। इन द एब्सेंस ऑफ दिस सर्विस इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो इम्पॉसिबल टू गाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम्स। मतलब जो गाइडेंस प्रोग्राम दे रहे हैं हमारे इंडिया में, फॉलो अप सर्विस बड़ा कमजोर है। फॉलो अप सर्विस, फॉलो अप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को गाइड किया गया, प्लेसमेंट की कमी है बट प्लेसमेंट सर्विस गाइडेंस, यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है जितन मंडल जी। तो प्लेसमेंट का बहुत सारा फॉर्म बना हुआ है, छोटे छोटे जगह पे भी आपको मिल जाएगा गाइड करने के लिए, जो कि प्लेसमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फॉलो अप गाइडेंस की कमी है बेतहाशा, कारण कि मैं जैसे कि दिल्ली में भी रहा, हरियाणा में भी रहा, तो दिल्ली वगैरह में प्लेसमेंट मतलब जो बड़े बड़े शहर, आपका कोलकाता में भी बहुत सारा गाइडेंस करियर काउंसलिंग किया करता है, उसे ही कहते हैं गाइडेंस। तो प्लेसमेंट के लिए आपका क्या है कि बहुत सारा एजेंसीज बना के रखा हुआ है, मतलब दुकान जैसा बना के रखता है, आप वहां पर जाइएगा आपको वो प्लेस कर देगा। प्राइवेट कंपनी सबका कॉन्टेक्ट रहता है उसके पास से, किसी को भी जरूरत पड़ता है जॉब वगैरह का तो वो उसी को कांटेक्ट करता है, और जो कंपनीज है वो भी उसी को कांटेक्ट करता है। तो ऐसा बहुत सारा है वहां पर प्लेसमेंट सर्विस के लिए, मतलब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मैं दिल्ली में रहा इसलिए मैं वहां पर देखा हूँ, हरियाणा में भी है, गुड़गांव में भी है, कोलकाता में भी है। लेकिन जो फॉलो अप सर्विस होता है कि जॉब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है कि बाद में टेस्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को जॉब दिला दिए तो
अब उसको फॉलो अप करेंगे, मतलब उसे फिर से आप देखेंगे वो अपने जॉब सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, इसको फॉलो अप सर्विस करते हैं, या उसको कोई और भी जॉब चाहिए, या मान लीजिए किसी को पढ़ाई से एजुकेशनल एजुकेशनल गाइडेंस ही प्रोवाइड किए, अब उसके बाद में फिर अब बाद में भी उसके साथ जुड़े हुए अपने क्लाइंट के साथ में, वो हो गया फॉलो अप सर्विस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इम्प्लाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इम्प्लाई, मतलब एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन, मतलब मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा में समन्वयन, एजुकेशन नॉलेज शैक्षिक ज्ञान, नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाई टू साइकोलॉजी शिक्षा विषय ज्ञान का मनोविज्ञान में अनुप्रयोग, नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर शिक्षा संबंधी ज्ञान का मानवीय व्यवहार में अनुप्रयोग, नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर शिक्षा संबंधी ज्ञान का मानवीय व्यवहार में अनुप्रयोग। तो इसका क्या होगा सही आंसर? सोम्पा का कहना है थर्ड, शर्वरी सरकार का कहना है थर्ड, रूमा का फोर्थ, रंजना का थर्ड। ओके, अलग अलग स्टूडेंट्स इसका अलग अलग आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट ओके, देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। अख्तर हुसैन का फोर्थ, इसका सही आंसर है फर्स्ट, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन, सिंपल एजुकेशन साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इंप्लाइड, तो अलग अलग एजुकेशनल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाइड टू साइकोलॉजी, नहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इस बात को थोड़ा देखिए। तो क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, और आंसर जो लिए हैं ये यूजीसी का जो मतलब जो रिवाइज आंसर की है उससे लिया गया है। ठीक है जी। इंटीग्रेशन नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन ये। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ पियाजे द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एज 7 to 12 years इज कॉल्ड, पियाजे के अनुसार बार बार हम लोग इसको पढ़े हैं, कल के दिन भी देखे थे इसको और परसों के दिन भी देखे थे, मतलब 3 दिन हुआ है, तीनों दिन इससे क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था आपको। ओके, 12 नंबर का 3 होगा। ओके, अर्चना कहना है थर्ड, दीक्षा का कहना है थर्ड, जावेद इकबाल का कहना है थर्ड, इन व्यू ऑफ पियाजे द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एज 7 to 12 years इज कॉल्ड, 7 से 12 साल को क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, नाम पूछ रहा है, हर साल इसे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है प्रत्येक एग्जाम में, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बना अभी तक। इस क्वेश्चन के मतलब पियाजे का स्टेजेस को अगर देखें तो इससे इससे क्वेश्चन इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बना अभी तक एग्जाम का। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है थर्ड, बिल्कुल आप लोगों में से किसी का गलती नहीं हुआ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहां पर फिर से हम सारा स्टेजेज, चारों जो स्टेज है वो दे दिए हैं आपको, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब है कि 4 इंटेलिजेंस क्या क्या है, सेंसोरी मोटर, पहला स्टेज आपको सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग एंटीसिपेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडिग्म, थॉर्नडाइक के अधिगम में प्रभाव के नियम को निम्नांकित में से किस प्रतिमान को प्रत्याक्षित किया? फर्स्ट है पावलोवियन कंडीशनिंग, पावलोवियन अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सामीप्य अनुबंधन, कंटिगुअस कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन एंड इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टियुक्त अधिगम। क्या हो, पावलोवियन कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंटिगुअस कंडीशनिंग एंड इनसाइट लर्निंग, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। फ्रेंड्स इसे हम लोग फर्स्ट दे ऐसे जिस समय इसका डिटेल पढ़ रहे थे उस समय भी देखे थे, मेंटी क्विज जिस समय करते थे मेंटी क्विज उसमें भी देखे थे, और अभी पहला दिन जिसमें डिस्कशन कर रहे थे उस समय भी थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब थॉर्नडाइक लॉ को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे। क्या होगा इसका सही आंसर? फर्स्ट
और फ्रेंड्स इसका चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेकंड इसका सही है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और बहुत सारे का सही हुआ है, मैक्सिमम का सही है, एक दो क्वेश्चन एक दो स्टूडेंट का गलत है। फ्रेंड्स इसे आज फिर से हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये बस इतना समझिए इसका सही आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है इन फ्रूड साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ साइकिक एनर्जी। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का सूचकांक है, संसूचक है? ईगो, ईड, सुपर ईगो एंड कॉन्शियस लेवल ऑफ साइकिल, मन का चेतन स्तर, अहम, इदम, पराहम और मन का चेतन स्तर। इंक्लूड साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ साइकिक इनर्जी। आंसर आ चुका है हेमंती मजुमदार का कहना है सेकंड, अख्तर हुसैन का कहना है भी सेकंड, शर्वणी सरकार का सेकंड, तुलेजा खातून का सेकंड। ओके मतलब ईद इदम। फास्ट चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है ये सेकंड, सेकंड ही इसका सही आंसर है और आप लोगों में से मैक्सिमम का सही हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईद, द ईद इज द अनकॉन्शियस रिजर्वोयर ऑफ इबिडो, इबिडो द साइकिक एनर्जी दैट फ्यूल्स इंस्टिंक्ट एंड साइकिक प्रोसेस। ओके इट इज ए सेल्फिश चाइल्डिश प्लीजर ओरिएंटेड पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी विथ नो एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। ओके हो गया ईद, अहम होता है ना, मैं हूं, सेल्फिशनेस एक तरह से कहें सेल्फिशनेस। उसके बाद है सुपर ईगो, क्या है सुपर ईगो? द सुपर ईगो कंटेन्स इंटरनलाइज सोसाइटल एंड पैरेंटल स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। दे इंक्लूड कॉन्शियस ऑपरेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एज वेल एज दोज इनकॉर्पोरेटेड अनकॉन्शियसली। एंड द सेकेंड वन इज द ईगो, एंड ईगो द ईगो एक्ट्स एज ए मॉडरेटर बिटवीन द प्लीजर सॉट बाय द ईड एंड द मॉरल्स ऑफ द सुपर ईगो। मतलब ईड एंड सुपर ईगो दोनों के बीच में आता है ईगो, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन, मतलब व्यक्ति के किस पक्ष के बचाव हेतु रक्षा युक्तियां प्रस्तुत होती है? ऑप्शन है ईगो कॉन्सियसली चेतन रूप में हम के लिए, ईद अनकॉन्सियसली अचेतन रूप में इदम के लिए, सुपर ईगो अनकॉन्सियसली अचेतन रूप में प्राहम के लिए एंड ईगो अनकॉन्सियसली अचेतन रूप में अहम के लिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स? डिफेंस मैकेनिज्म्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन, व्यक्ति के किस पक्ष के बचाव हेतु सुरक्षा युक्तियां प्रस्तुत होती है? ईगो कॉन्सियसली, ईद अनकॉन्सियसली, सुपर ईगो अनकॉन्सियसली एंड ईगो अनकॉन्सियस। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स? ओके चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर, फोर इसका सही आंसर है। और आप लोगों में से सब कोई सही दिए हैं एक्सेप्ट रंजना सिन्हा का गलती हुआ है, रूमा मुखर्जी का गलती हुआ है, जावेद इकबाल का भी गलत हो गया है। आप लोग फ्रेंड्स ऐसे हम लोग इसको ऑलरेडी देख लिए हैं, ये यहाँ पर भले ही छोटा छोटा लिखा हुआ है तो आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ई ज्ञान ऐप का, आपको वहां पर भी मिल जाएगा और एनटीएनए 2021 ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हु इन द फॉलोइंग लिस्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनिमा एंड एनिमस इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु अधोलिखित सूची में किसने अंतरनारी और अंतरनर की अवधारणा को प्रस्तावित किया? अंतरनारी और अंतरनर को प्रस्तावित किया हु? फ्रूड, जंग, एडलर एंड एरिक फ्रॉम। क्या होगा
जंग, एडलर एंड एरिक फ्रॉम, दीक्षा यादव बी, अख्तर हुसैन बी, अर्चना भी बी, सर्वरी सरकार बी, बनवाल राजेश बी, ओवरऑल सबका कहना है बी। अच्छा, जावेद इकबाल का कहना है सी। चलिए देखते हैं, और इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर बी ही है, मतलब इन द एनिमा एंड एनिमस इन कार्ल जंग स्कूल ऑफ एनालिटिक साइकोलॉजी आर द टू प्राइमरी एंथ्रोपोमॉर्फिक आर्किटाइप ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एज अपोज टू बोथ द थेरियोमॉर्फिक एंड इंफेरियर फंक्शंस ऑफ द शैडो आर्किटाइप्स। ओके, आप लोगों का सही हुआ है, सिर्फ दो तीन का छोड़ के आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन, वेलनेस लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, सुस्थित जीवन शैली निर्भर होती है व्यक्ति की फर्स्ट एफ्लुएंस एंड एडिक्वेसी, संपन्नता एवं पर्याप्तता पर, मीन्स एंड देयर अवेलेबिलिटी साधन एवं उनकी उपलब्धता पर, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स मूल्य एवं अभिवृत्तियों पर, डूइंग समथिंग टू गेट समथिंग कुछ पाने के लिए कुछ करने पर। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। वेलनेस लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, सुस्थित जीवन शैली निर्भर होती है व्यक्ति की एफ्लुएंस एंड एडिक्वेसी, मीन्स एंड अवेलेबिलिटी, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स एंड डूइंग समथिंग टू गेट समथिंग, क्या होगा? ओके, देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है थर्ड, मतलब वैल्यूज एंड द एटीट्यूड। इसका सही आंसर वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। हेल्थ एंड वेलनेस आर नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इलनेस, मतलब सिर्फ हेल्थ और वेलनेस जो होता है सिर्फ डिजीज या इलनेस नहीं होने को ही नहीं कहते हैं। ए पर्सन स्टेट ऑफ हेल्थ वेलनेस एंड इलनेस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज एटीट्यूड्स पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल, ये सब उसमें शामिल है हेल्थ एंड वेलनेस में। ठीक है जी, ओके, तो आप लोगों में से सबका सही हुआ है ये क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट, इन पियाजे व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द हाइएस्ट स्टेज इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की दृष्टि में निम्नांकित में से विकास की कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, मतलब पियाजे की दृष्टि में निम्नांकित में से विकास की कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है? चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था एंड ओल्ड एज वृद्धावस्था। हाईएस्ट स्टेज इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है? ओके, सर्वनी सरकार सेकंड, अर्चना श्रीवास्तव सेकंड, दीक्षा यादव सेकंड, बनवाल राजेश सेकंड, सभी का सेकंड है, शंपा घोषाल का थर्ड है, जेवियर मुंडा का थर्ड है, बाकी सबका सेकंड। ओके, देखते हैं क्या आंसर, इसका सही आंसर है सेकंड, सेकेंड ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हाईएस्ट स्तर एडोलेसेंस, इसी में सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच एज ग्रुप इन पियाजे रिसर्च एविडेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में पियाजे के शोध साक्षियों द्वारा वस्तु अस्थायित्व के लक्षण किस वय वर्ग में दिखाई देते हैं, किस एज में दिखाई देते हैं? अप टू द एज ऑफ 8 to 9 months, बिटवीन 2 to 7 years, 9 to 11 years एंड 11 to 14 years। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस समय डेवलप करता है बच्चों में? ऐसे कल लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस किए हुए हैं, ये चारों स्टेजेस को, या ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देखे हुए थे। ओके, मैक्सिमम का कहना है सेकंड, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे का 8 से 9 महीने में ही डेवलप होने लग जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 से 9 महीना में ही होता है, 2 से 4 साल में नहीं होता है, 2 से 4 साल में तो बहुत आगे निकल चुका रहता है बच्चा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज हु बोरोड द वर्ड कैथेक्सिस टू कॉल इट ए काइंड ऑफ लर्निंग, अधिगम मनोवैज्ञानिक की निम्नांकित सूची में किसने भावाभिनिवेश शब्द ग्रहण करते हुए इसे एक अधिगम प्रकार के नाम से पुकारा है? ऑप्शन है टॉलमैन,
गुथरी मॉरर एंड थोंडाइक। टॉलमैन गुथरी मॉरर एंड थोंडाइक क्या होगा इसका सही आंसर। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्निंग थ्योरिस्ट हु बोरोड द वर्ड कैथेक्सिस टू कॉल इट ए काइंड ऑफ लर्निंग। कैथेक्सिस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो पूछ मतलब घिसा पीटा है, प्रत्येक दिन इसका एक क्वेश्चन आ रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बार बार आया हुआ है, इसलिए इसको गलत होने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। फर्स्ट है, सभी को इसका सही आंसर दिए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप अभी भी हमारा ई ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारा चीज आपको हमारा ई ज्ञान एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ई ज्ञान ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी कोई चार्जेज नहीं लगता है। और ये जो अभी डिस्कस किए इसका पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, और एनटीए नेट 2021 टेलीग्राम ग्रुप भी है वहां पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां पर शामिल हो जाइए। और हाँ, जो जो इनरोल कैंडिडेट है प्राइवेट क्लास में मतलब एडवांस कोर्स में, जो जो इनरोल किए हैं, शाम को 8 बजे से जैसे क्लास होता है वैसे ही आज भी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग मिलते हैं। और हाँ, जिसका क्लास छूट गया है आप उसमें रिकॉर्डेड दिया हुआ रहता है सभी, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं आज शाम को 8 बजे। ओके बाय बाय।